2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी हो रही है भूपेन जी, ये 2024 को लेकर महासंपर्क अभियान, इसका फायदा होगा? नहीं, फायदे से मतलब नहीं, हम तो अपना जो हमने काम किया है उन कामों को केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर उन कामों को लेकर जनता के बीच में पार्टी जा रही है। जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, जो काम हमने किए हैं, वो हम लोग अपने कामों का जनता तक, जनता के बीच में ले जाएंगे। इस तरह की रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं। हमारा एक जनसंपर्क का अभियान है, 30 मई से 30 जून तक करना है। जी, कांग्रेस ने आज मंथन किया है, कह रहे हैं कि अब 24 के लिए हम जुटेंगे। अब सबको अपनी तैयारी करने का अधिकार है। वो नगर निकाय चुनाव में बहुत तैयारी से लड़े थे, लेकिन परिणाम तो जनता, इसके यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने एक जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम लिया है, और उस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए हम लोग लगातार अपनी बैठकों के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर अपनी बात जन जन तक पहुंचानी है। आज लखनऊ महानगर की बैठक है, और इस बैठक में हम लोग जो हमारा कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा बैठ कर बनाएंगे। सपा और कांग्रेस हार की समीक्षा की बैठक कर रही है लगातार, कि 2024 में किस तरीके से लड़ा जाए। नहीं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, और मुझे विश्वास है कि उन्हें सार्थक चर्चा करनी चाहिए, और जो जो विषय रहे हैं चुनाव में, जनता ने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, उन सारे विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। एक सवाल ये, RLD के महासचिव हैं त्रिलोक त्यागी, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस और सपा और RLD एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ें, अगर ऐसा होगा तो आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होगी? नहीं, पिछली बार 2019 में सब गठबंधन में थे, और जनता का गठबंधन मोदी जी से है। अब ये लोग कुछ भी करें कुछ नहीं होगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।